नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा के वैद्यपुर के उर्दू प्राथमिक विद्यालय शुक्रवार को रहता है बंद। धनबाद जिले के निरसा प्रखंड के वैद्यपुर में हरेक शुक्रवार को उर्दू प्राथमिक विद्यालय बंद रहता है। आज शुक्रवार को जब इंडिया न्यूज़ 28 के संवाददाता जब वहां पहुंचे तो विद्यालय बंद देखने को मिला और कोई भी विद्यालय प्रबंधक देखने को नहीं मिला, जिससे यह पता चल सके कि विद्यालय को आखिर बंद रखने का उचित कारण क्या है। बताते चलें कि पिछले कई हफ्तों से इसकी सूचना हमारे संवाददाता को दी जा रही थी और आज विद्यालय बंद मिला। आखिर इसका मुख्य और उचित कारण क्या है? विद्यालय बंद होने के कारण इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। धनबाद संवाददाता अशोक चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अशोक चौहान और आप देख रहे हैं अशोक चौहान इंडिया न्यूज़ 28। दोस्तों, देख पा रहे हैं ये उर्दू मध्य विद्यालय का नज़ारा है, बेनागुड़िया। और आप देख रहे हैं शुक्रवार का दिन है और यहाँ ताला बंद है। ये कार्यालय का ऑफिस है जहाँ आप देख पा रहे हैं ताला बंद है, क्लासरूम का ताला बंद है। दिन शुक्रवार है और ये वीडियो थोड़ी देर पहले का लिया गया है, जिसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी देखिए ताला बंद है। हमारे शहर निरसा में भी शुक्रवार के दिन स्कूलों को बंद किया गया है। देख रहे हैं दोस्तों, स्कूल प्रांगण वैद्यपुर, त्रिस्तरीय पंचायत वैद्यपुर, देखिए इसका बगल में ही रोड है और ये स्कूल शुक्रवार के दिन आज बंद देखने को मिल रहा है। और ये सब यहाँ के शिक्षकों का नाम है। देखिए चारों तरफ, देखिए एक भी यहाँ छात्र और छात्राएं नहीं है और स्कूल में ताला लगा हुआ है। यहाँ से दोस्तों दो चार हफ्तों से एक कंप्लेन आया था कि आके यहाँ वीडियो बनाएं, यहाँ हर एक शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है और यह शुक्रवार का दिन है और सभी कक्षाओं में ताला लगा हुआ है, कोई भी शिक्षक देखने को नहीं मिले और न ही कोई छात्रा है, छात्र छात्रा है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और क्या कारण है, आज तो मुझे कोई लोग मिले नहीं, इसीलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया। कोई मिलते तो मैं पूछता कि स्कूल बंद होने का क्या कारण है, कोई उचित कारण है तो बताएं कि आप लोग ऐसे ही बंद करें, क्या यहाँ सिस्टम बना कर रखे हैं, क्या है नहीं है। वो अगर कोई शिक्षक मिलते तभी बात आगे बढ़ती। ओके दोस्तों, धन्यवाद।